हरियाणा के नूह में पुलिस और सरकार की अनुमति के बिना विश्व हिंदू परिषद की ओर से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन इस बार 31 जुलाई की तरह सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। पिछले दिनों हुए नूह हिंसा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित जिले में इंटरनेट पर अभी भी बैन लगा हुआ है। Permission for Jalabhishek is concerned, we are the administration is very clear since beginning that we have not denied for Jalabhishek, but in view of the sensitivity of the prevailing situation, as well as in view of certain social media post where we could see the people are mobilizing from not only other district of Haryana but the state outside Haryana like Rajasthan and UP, and anticipating that group mobilization may create problem here, we prevented the people who are coming from outside in group. सफिशियंट मात्रा में पुलिस है, सफिशियंट मात्रा में वहाँ पर अधिकारी लगा रखे हैं और लोगों ने अपनी मान्यता के अनुसार वहाँ आकर जल अभिषेक किया है। वही जैसे स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो हटा देंगे हम उसको। अभी स्थिति क्या है सर वहाँ पे? क्योंकि नियंत्रण में है। ये बगैर इजाजत के निकालने की हिम्मत करना, इसका साफ मतलब है कि विश्व हिंदू परिषद को ये एहसास है, ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके पीछे खड़ी है, वरना ये हिम्मत नहीं हो सकती कि कहें कि बगैर इजाजत के निकालेंगे और कानूनी व्यवस्था संभालना सरकार का काम है। उनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। जो पिछली बार हुआ था उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। सर, नूह की जो रैली है उस पर वसादुद्दीन ओवैसी जी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है वीएचपी सुन नहीं रही है बीजेपी की, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों की मिलीभगत है, और अगर ऐसा नहीं है और मुसलमानों को इसमें विक्टिम बनाया जाता है, और वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जहां पे कोई तनाव न हो उनके बयानों से ट्वीट से तनाव हो जाता है, वहां पर कोई तनाव अभी नहीं है। बीएचपी के और कुछ लोग वहां गए, दर्शन किया, पूरी तरह सुरक्षा चाक चौबंद है। सरकार वहां अमन के लिए, शांति के लिए काम कर रही है, और ओवैसी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि वहां मुसलमानों के मकान ही नहीं बचे हैं जिसको तोड़ा जाए। ओवैसी साहब ऐसा काम मत करें, हरियाणा और देश को बदनाम मत करें।